हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी के फायदे और उसके महत्व के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको तुलसी के फायदे के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं उसके नुकसान के बारे में बताऊंगा। तुलसी का क्या तासीर होता है, उसके खाने का क्या सही तरीका होता है और तुलसी को खाने का क्या सही समय है, ये सब बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यह तो हम सब जानते ही हैं कि तुलसी हिंदू घरों में आसानी से मिल जाती है। तुलसी का न सिर्फ औषधीय गुणों की वजह से काफ़ी लाभकारी है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी पूजनीय मानी जाती है। इसे माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी पांच तरह की होती है: राम तुलसी, श्वेत तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। यदि मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस में बात करूं तो इन पांच प्रकार की तुलसी का रस हर मर्ज की दवा होती है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो अनेक बीमारियों में काम आता है। हिंदू धर्म में तो इसका बहुत ही गुणगान है, यहाँ तक कि हर घर में, हर आंगन में यह पाया जाता है। आपको अगर सर्दी हो या जुकाम हो जाए तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से यह कहते सुनते होंगे कि तुलसी की चाय बनाकर पी लो, सही हो जाएगा। दोस्तों, तुलसी शब्द का अर्थ होता है अतुलनीय। यह एक अतुलनीय पौधा होता है। तुलसी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी मानी जाती है और जड़ी बूटियों की रानी भी कहलाती है। यह एशिया के दक्षिण भाग जैसे कि थाईलैंड, भारत और जितने भी हिंदू प्रभावित देश हैं उनमें सब में पाई जाती है। हिंदू पिछले 5000 सालों से तुलसी की सुबह और शाम पूजा करते आए हैं। इसके प्रभावी फायदों के कारण यह भारत में ही नहीं दुनिया भर में जानी जाती है। तुलसी एक अत्यधिक सुगंधित जड़ी बूटी है जो सबसे अधिक खाना पकाने में मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन अपने विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय है। तुलसी के पत्तों और फूलों में कई केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य को बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। दोस्तों, तुलसी में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के अलावा मैग्नीज, तांबा, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैट्स जैसे पोषक तत्व होते हैं, और ये सभी पोषक तत्व आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं कि तुलसी से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, तुलसी का सबसे ज़्यादा फायदा लोग आमतौर पर जब खांसी हो जाती है तो तब उठाते हैं। तुलसी खांसी के सिरप में एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन बजाय सिरप खरीदने के आप घर में ही एक अच्छी घरेलू औषधि बना सकते हैं जो उतनी ही ज़्यादा असरदार होती है। 8 तुलसी के पत्ते और 5 लौंग 1 कप पानी में डालें और 10 मिनट तक इसको उबालते रहें। आप स्वाद के अनुसार कुछ नमक भी डाल सकते हैं। इसे ठंडा होने दें और फिर खांसी में राहत के लिए इसको पी लें। आप देखेंगे कि आपकी खांसी एकदम सही हो जाती है। तुलसी के पत्ते खाने से आपका सर्दी और जुकाम भी बिल्कुल सही हो जाता है। अगर तुलसी के पत्ते बुखार और जुकाम के इलाज में इस्तेमाल किया जाए तो इसका बहुत ही फायदा होता है। तुलसी के पत्ता चबाने से आपका तनाव दूर होता है। ताजी तुलसी के पत्ते नियमित रूप से खाने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छी हो जाती है। तुलसी का उपयोग अस्थमा के इलाज के लिए भी किया जाता है। तुलसी आपके चेहरे के स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। यह आपके मुहासों को ख़त्म करती है। ताज़ा तुलसी के पत्तों का रस त्वचा से बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है। तुलसी की चाय पीने से आपके सिर का दर्द खत्म हो जाता है। तुलसी के रस की 1 चम्मच, अदरक के रस की 1 चम्मच दोनों को एक साथ मिलाकर आपके पेट का दर्द खत्म कर देती है। तुलसी के पत्ते खाने से आपके गुर्दे की पथरी में भी बहुत सुधार होता है। तुलसी के फायदे आपके स्किन इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तुलसी खाने से ऐसा भी देखा गया कि कैंसर भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, तुलसी के बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि हम आम तौर पर अपने डेली लाइफ में इससे लेते रहते हैं, लेकिन तुलसी के कुछ नुकसान भी हैं। दोस्तों, जैसे तुलसी हमारे शरीर का जो रक्त होता है, जो खून होता है, उसको पतला करती है, और इसलिए इसे खून को जमने को रोकने वाली दवाओं के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आपको मधुमेह या हाइपोग्लाइसीमिया है तो आप जो दवाई ले रहे हैं उसके साथ तुलसी का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका जो रक्त है, आपका जो ब्लड है, उसमें शर्करा की अत्यधिक कमी हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान तुलसी की अत्यधिक मात्रा हमारी माताओं और बहनों को नुकसान पहुँचाती है, और विशेष रूप से जो पहले first 3 month होते हैं उसमें तो महिलाओं को बिल्कुल भी तुलसी की अत्यधिक मात्रा से बचना चाहिए।
तुलसी की अत्यधिक मात्रा के सेवन करने से हमारे सीने में जलन, एसिडिटी और पेट में जलन पैदा हो सकती है। इसके अलावा तुलसी का दोस्तों और कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात करते हैं तुलसी के तासीर के बारे में। तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में करने की सलाह दी जाती है। तुलसी को गर्मियों के मौसम में भी खा सकते हैं, पर इसका अधिक उपयोग करने से आपको कोई समस्या हो सकती है, इसलिए इसको सर्दी में खाएं तो इसका आपको ज़्यादा अच्छा असर मिलता है। अब बात करते हैं तुलसी खाने का जो सही तरीका है। दोस्तों, आप तुलसी के पत्तियों का कई तरह से सेवन कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को कच्चा भी चबा सकते हैं और इनके पत्तों को सुखाकर इसकी चाय भी बना सकते हैं। तुलसी के पत्तों की चाय इस जड़ी बूटी का सबसे आम और लोकप्रिय उपयोग है। आप उबलते पानी में 2 से 3 चम्मच तुलसी के पत्तों का पाउडर डालें और इसे 5 से 6 मिनट तक उबलने दें, फिर इस चाय का सेवन करें। उसका स्वाद अलग ही आएगा। अब बात करते हैं तुलसी खाने का क्या सही समय है। तुलसी का सेवन आपकी दिनचर्या पर बहुत निर्भर करता है दोस्तों। तुलसी का सेवन किस समय करें यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग क्यों करना चाहते हैं। आमतौर पर तुलसी का इस्तेमाल खाली पेट सुबह करने को कहा जाता है, पर यदि आपको खाना पचाने में परेशानी होती है तो आप इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और यह खाना पचाने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, तुलसी के बारे में आपको मेरी ये बातें कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।